सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करते हैं तो आपकी बुराई भूल जाती है, और जब नफरत करते हैं तो आपकी अच्छाई भूल जाती है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। आज का पंचांग 23 मई 2024 दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 7:22 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को कूर्म जयंती बुध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुला राशि 23 मई 2024 दिन गुरुवार, आपको कुछ घटनाओं के तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं, जिससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है। आपको काफी आरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। अध्यापक या सलाहकार से मार्गदर्शन के लिए मिली, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। अपनी चिंताओं को रहस्य न रखें या किसी जोखिम भरे व्यवहार से लिप्त ना हो। यह समय अच्छे अवसरों से भरा हुआ है। आज पुराने संबंधियों से मिलना आपके लिए आर्थिक और व्यवसायिक रूप से फायदेमंद होगा। अपने साहस को कम ना होने दें और जमाना आपके कदमों में होगा। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपके लिए लाभदायक होगा। आपके एक मिनट के आक्रोश का मतलब है कि आपने प्रसन्नता के 60 सेकंड खो दिए। आउटडोर गतिविधियां काफी थकावटी और तनाव वाली साबित होगी। आपके पास आज पैसा पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। नव युवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की बारे में कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को मग्न पाएंगे। यह प्यार की मधोसी है, इसे महसूस करें। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेगी। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। आज आपका दिन व्यस्तता से भरा हो सकता है और इससे भी आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। आपकी मित्रता की मुलाकात से खुशनुमा और आनंददायक रहेगी, जिससे आपका मनोबल और सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे। इसके अलावा आप अपनी व्यक्तिगत और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए तैयार होंगे। इससे आपका जीवन अधिक सुखमय और सफल होगा। ऐसे पॉजिटिव और अच्छे दिन से हमेशा उत्कृष्टता और समृद्धि की ओर बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की आप कोशिश करते रहें। हर बार अन्य लोगों को अपनी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराने से नकारात्मकता बढ़ेगी। परिस्थिति संबंधित दुख भले ही महसूस हो रहा होगा, लेकिन आपको परिस्थिति सुलझाने पर ध्यान देना होगा। आपके व्यक्तित्व की सकारात्मक बातों का ठीक से उपयोग करना सीखें। काम से जिस प्रकार के लिए डेडिकेशन रखेंगे उसी प्रकार से प्रगति मिलने वाली है। विवाह संबंधित निर्णय लेने से पहले दोबारा विचार करने की आवश्यकता भी है। पेट की जलन तकलीफ का कारण भी हो सकता है, ख्याल रखें। सावधानियां, अपने महत्वपूर्ण चीजों को स्वयं संभालें। सपनों की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत को समझकर कार्य करें। किसी पर विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। कोशिश करके अपने काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। आज के दिन पुरानी बातों को दफन करने का भी समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे।
नई शुरुआत सभी मोर्चे पर संकेत दे रहे हैं। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी ताकि आप उसे छोड़कर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सकें। अगर साथी की तलाश है तो अभी थोड़ा इंतजार करें क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। भविष्य में रोमांस के छड़ मिलेंगे। सफर में हुई गड़बड़ी या किसी की लाइलाज बीमारी के कारण तनाव महसूस हो सकता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मनोबल ऊंचा रखें और दुनिया आपके कदमों में होगी। आज आप यह महसूस कर सकते हैं कि अपने साथी से नजदीकी और चाहत को महसूस करने से पहले खुद को प्रेम करना भी जरूरी है। आपकी इसे आत्मविश्वास और रवैये से आपको आज कुछ अच्छे पल मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी आज मधुरता ज्यादा बनी रहेगी। बिल्कुल भी हो सके तो गलतफहमी आप दोनों के बीच ना आने दें क्योंकि इससे दूरियां बढ़ेगी। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ परेशानियां बढ़ा रही हैं। आज इसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अड़िग रहें और समाधान निकालने की कोशिश करें। अगर आपको जोखिम लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाले खतरे या मुसीबत के लिए आप अभी तैयार हैं। लोगों से बातचीत करें और अपने विचारों को उनसे बांटकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करें। सफर के दौरान गड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए आज यात्रा ना करें। इतिहास खुद को दोहराता है, इसीलिए अच्छा करें और अच्छा पाएं। अपने पुराने संपर्कों और दोस्तों से फिर से मिलना आपको आर्थिक और पेशेवर दोनों तरह से लाभ पहुँचा सकता है। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और आपका कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अपने मन भाव को उच्च रखें, इसके बाद दुनिया आपके कदमों में होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में व्यवस्था का महत्व अत्यंत बड़ा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती है और व्यवसायिक लाभ में कोई बाधा नहीं होती। साथ ही आपको अपने कार्य को ध्यान में रखकर दूसरों पर काम छोड़ने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कारखानों और मशीनरी से जुड़े व्यवसायों में दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि तकनीकी समस्याएं, उपकरण की खराबी या नियमित रूप से बदलते नियम और विनियम। इन सभी समस्याओं का सामना करते समय संबंधित स्टॉक की व्यवस्था और अनुकूलन को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है ताकि व्यवसाय में विघ्न ना हो। सभी चुनौतियों का सामना करते समय निरंतर अध्ययनरत और सुधार करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यवसाय की दिशा में समृद्धि हो सके। बात करते हैं सेहत की। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं। आप इसके बारे में काफी जागरूक भी हैं और लेकिन आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल जाए। आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर ना घूमें क्योंकि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। मास्क पहनकर चलें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।